नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ जिस प्रश्न की बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है कि एक वर्ग जिसकी भुजा 7 सेंटीमीटर है, वर्ग के अंतर्गत खींचे गए वृत्त की परिधि की गणना कीजिए। ठीक है, इतना प्रश्न ने हमें कहा है कि एक वर्ग है, उस वर्ग के अंदर एक वृत्त खींचा गया है। हम एक वर्ग बना लेते हैं और उस वर्ग के अंदर ठीक है, तो हमने एक वर्ग बना लिया और उस वर्ग में एक वृत्त खींच लिया और वर्ग की जो भुजा दी गई है वो दी गई है 7 सेंटीमीटर। तो वर्ग की अगर हम यहां से यहां तक देखें तो ये भी वर्ग की भुजा ही कहलाएगी, तो ये भी 7 सेंटीमीटर। लेकिन अगर हम उसको वृत्त के रूप में देखें तो वह वृत्त का व्यास कहलाएगी। यहां से यहां तक जब दोनों किनारों को टच करे, सेंटर से होकर जाए, तो वो कहलाता है वृत्त का व्यास। ठीक है, बस इस प्रश्न में यही कंडीशन सबसे महत्वपूर्ण है कि जो वर्ग की भुजा है वह किसका काम करेगी, वह वृत्त के व्यास का काम करेगी। क्या हमें दिया गया है, वर्ग की भुजा दी गई हमें, बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब जो वृत्त का व्यास है वो किसके बराबर होगा, वह वर्ग की भुजा के बराबर है। ठीक है, अब वृत्त का व्यास डी कहलाता है और भुजा है 7। ठीक है, तो वृत्त का व्यास कितना निकल के आया, 7 सेंटीमीटर। हमें निकालना पड़ती है त्रिज्या। त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास का आधा ही होता है त्रिज्या, तो डी बाई टू यानी 7/2 सेंटीमीटर ये निकल के आ गई इस वृत्त की त्रिज्या। लेकिन उसने हमसे पूछा है कि वृत्त की परिधि की गणना कीजिए। हमें क्या निकालना है, वृत्त की परिधि। ठीक है, तो जो वृत्त की हमें परिधि निकालना पड़ती है तो उसका सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, 2πr यानी 2πr, 2 × π × r, यह होता है वृत्त की परिधि का सूत्र। हमारे पास अब की वैल्यू है, पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 यानी 22/7 और r की वैल्यू है 7/2। अब यहाँ पर कट रहा है, 7 से 7 कट रहा है, 2 से 2 कट रहा है, बचा 22 और उसके साथ लगा देंगे सेंटीमीटर, क्योंकि यह है परिधि। ठीक है, तो जो वर्ग के अंदर वृत्त बन रहा था उस वृत्त की परिधि हमारी निकल के आई 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपने देखा हमने कितने ही सिंपल तरीके से आपको इस सवाल को लगा के बताया। और ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।